कार्यालय की अगर बात की जाए तो तमाम सारे अब इनके वरिष्ठ नेता और जो महासचिव हैं वो सभी अब बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो माहौल एक सुबह था उसी तरीके का माहौल है। मुझे लगता है कि शायद बीजेपी अभी भी इस बात का इंतजार कर रही है कि और भी स्थिति साफ हो जाए और जो अभी तक के रुझान है वो परिणामों में बदल जाए, तब पार्टी दफ्तर में जश्न मने और ढोल बजे और लड्डू बांटे जाए। ऐसा मैंने सुबह ही कहा था कि लड्डू तो है लेकिन उसको अभी रोक कर रखा गया है, लड्डू बांटे नहीं गए हैं। और अभी फिलहाल बीजेपी कार्यालय की अगर बात की जाए तो कुछ कार्यकर्ता और दो तीन महासचिव, एक दो के पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी दफ्तर में है और बाकी टेलीविजन चैनलों पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं और कार्यकर्ता कहें तो बहुत कम है यहाँ, यानी अभी कोई यहाँ जश्न नहीं मनाया जा रहा है। और जैसा मैंने कहा कि शायद पार्टी अभी भी इंतजार में है कि जब रिजल्ट सामने कुछ आ जाए तब वो लोग जश्न मनाए। विकास इनके सर आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, कार्यालय पहुंच सकते हैं अगर हरियाणा। विकास जी आप बहुत दिनों से बीजेपी कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छा अनुभव है और बड़ा डीपली कवर करते हैं दशकों से और मैंने भी बहुत सालों से किया है, दशकों से किया है। मैं तो जो गलत सवेरे में जो कह रहा था, जो रिजल्ट आया उससे बिल्कुल उल्टा था, लेकिन आप याद कीजिए सुबह आपने कहा था कि बीजेपी पूरा फोकस जम्मू कश्मीर पे रख रही है, हरियाणा तो मान चुकी है कि वो हार गई। अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि सुबह आपने कुछ और कहा था तो अब आपको क्या कहना है? जी सर बिल्कुल सही है याद दिलाया, लेकिन अब अगर जो अभी रुझान दिखाई दे रहा है इसकी उम्मीद बिल्कुल बीजेपी को नहीं थी, क्योंकि बीजेपी जो सबसे ज्यादा सीट बताई थी, बीजेपी के नेताओं से बात होती थी पहले कि बहुत हम आएंगे तो 28 से 32 के बीच में जाएंगे, इसकी उम्मीद किसी भी बीजेपी, जितने लोगों से हमारी बात हुई थी उन लोगों को उम्मीद नहीं थी। और कल जब लोगों ने बताया कि हाँ ये हो सकता है कि हम 32-35 सीट तक आ जाए, एक रहेगा यानी सरकार बनेगी, बीजेपी वहां इस तरीके से जीतेगी, इसकी संभावना किसी नेता ने नहीं जताई थी। हाँ इन लोगों ने जरूर कहा था कि आप हमें बिल्कुल रिजेक्ट न कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा कि हमारी जमानत जब्त हो जाएगी, हम बिल्कुल उखड़ से जाएंगे। और उन्होंने कहा था कि 10 साल पहले की बीजेपी को देखे हरियाणा में तब क्या था, लेकिन हम 10 साल सत्ता में रहे हैं वहां तो नुकसान तो उठाना पड़ सकता है, किसी को उम्मीद नहीं थी। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में इन लोगों को उम्मीद नहीं थी, दावा तो फिर भी करते थे कैमरे के सामने कि नहीं हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, सामान्य बातें करते हैं लोग, उसी तरीके से हरियाणा की स्थिति थी तो कोई भी ये नहीं कहता था कि हम सरकार बनाएंगे। और यहाँ जितने लोग मॉनिटरिंग में बैठे थे वो सिर्फ जम्मू कश्मीर पर बैठे थे कि देखा जाए कि वहां क्या कुछ हो रहा है, जो महासचिव लोग पहुंचे थे वो सारे जम्मू कश्मीर को मॉनिटर कर रहे थे कि वहां क्या हो रहा है, जम्मू में क्या हो रहा है, कितनी सीटें आ रही है, कितनी सीट का टैली वो लोग ले रहे थे। और हरियाणा में वहां एक दो लोग बैठ करके देख रहे थे कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है, तो वो सिर्फ गंभीरता यहाँ पार्टी कार्यालय में आज भी नहीं दिखाई दे रही थी सर। अच्छा सिंह साहब मुझे इस पहलू पे एक जरा फोकस है कि अगर इतनी नाउम्मीदी थी कि कोई मान के चल ही नहीं रहा था कि हम जीत सकते हैं, तीसरी बार सरकार हरियाणा जैसे स्टेट बन जाए जहां पे डबल रिप्यूटेशन, और ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार हो रहा है डबल, ये तो कह रहा हूँ कि दूसरी बार बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी उसको लेकर, और इतनी सारी चीजों के बाद खट्टर साहब को हटाया गया, नायब सैनी को लाया गया, मैं मधुरेन के पास भी जाऊंगा लेकिन इसका जवाब मैं ले लूं, आखिर वो कौन सा फैक्टर काम करता है बीजेपी के साथ या क्या हुआ? खट्टर साहब को हटाया गया तो उसको प्रूफ भी हुआ कि वो डिसीजन सही था, क्योंकि उनके हटाने के बाद ये देखा गया कि अगर वो रहते तो लॉस बहुत बड़ा हो जाता, तो उनको हटाया गया तो चलिए 5 सीटों में सिमट गए, जब 10 सीटों से 5 से घट गई तो इसका मतलब था कि वो स्टेप सही था, तो स्टेप से बिल्कुल सही था। 50 आपने बीजेपी 50 हो गई तो अब आप 34 और कांग्रेस की घट के 34 हो गई, तो अगर आप ये देखें तो सारे जो वेरिएबल वोट परसेंटेज से देख लीजिएगा आप, वो जो कहा जाता था कि महंगाई, बेरोजगारी, पहलवान और वगैरह वगैरह, बड़ा अच्छा वो तीन का लिया गया था, लेकिन वो सारी चीजें डिफाई करके, पहलवान किसान, लेकिन वो सारी डिफाई करके अगर बीजेपी ये परफॉर्मेंस ले रही है, और यही नहीं आप अगर वहां भी देखें जम्मू कश्मीर में ठीक है सरकार नहीं बन रही है, सरकार बन रही है एनसी और कांग्रेस क्योंकि 51 मैं भी देख रहा हूं कि 51 हो गया है, 28 से 26 बीजेपी, 48 चाहिए तो 51 हो रहा है तो सरकार बन रही है, लेकिन वहां भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है, अगर आप ओवरऑल देखें तो बीजेपी का परफॉर्मेंस वहां भी अच्छा रहा है। तो ये फैक्टर क्या है कि हरियाणा में 4 महीने पहले जब चुनाव होता है तो लोकसभा की सीटें वो लूज कर जाती है, लेकिन और वोट परसेंटेज भी कम हो जाता है, लेकिन 4 महीने बाद तो राज्य के चुनाव जिसमें सारे नेगेटिव थे उसके बावजूद बीजेपी ये परफॉर्मेंस करती है, तो सच पता है तो हमें
किसी भी तर्क से ये समझ में नहीं आ रहा। आज मैं पहली बार मेरे दिमाग में लग रहा है कि कोई भी लॉजिक, मुझे ऐसा लगता है और आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि 2014 के बाद शायद हरियाणा पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर मुख्यमंत्री को बदला गया और उसके बाद इतनी बंपर सीटों के साथ जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सत्ता में आ रही है। हमने कई राज्य ऐसे भी देखे जहां पर जो खुद सीएम कैंडिडेट थे वो खुद ही अपना चुनाव हार गए। यहां पर नायब सिंह सैनी ना सिर्फ जीत रहे हैं बल्कि मेजोरिटी के साथ 50 सीटों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो 6 महीने के लिए कार्यवाहक सीएम बने थे उनको खुद को शायद नहीं पता था कि अगले 5 साल में ही सीएम बनने वाला हूं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझ में आया हमने। और देखिये कि 6 महीने में उनको कोई परफॉर्मेंस दिखाने का टाइम भी नहीं मिला क्योंकि जिस समय वो बने उसके ठीक बाद लोकसभा इलेक्शन हो गए तो उस समय कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट होता है। उसके 2 महीने उन्होंने काम करा उसके बाद फिर विधानसभा के इलेक्शन आ गए तो उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये वोट मिले हैं। और ये बात तो मुझे लगती नहीं है, खट्टर हट गए ये एक पॉजिटिव चीज जरूर है। मेरे को लगता है कि हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो कि जो एंटी जाट वोट है हो सकता है कि वो एक साथ आ गए हों, कंसोलिडेशन हुआ हो। अभी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट हमारे सामने है, रिजल्ट के बाद ही हमें एक एनालिसिस उसके बाद ही होता है। लेकिन नायब सिंह सैनी का नाम तो कंफर्म ये तो तय है सर, अब इस रिजल्ट के बाद ऐसा तो नहीं हो सकता एनके सर की किसी तरीके की बैठक हो और कुछ तब्दीली हो जाए? नहीं देखिए एक बात तो है, इस आंकड़े का क्रेडिट तो नायब सिंह सैनी को जाता है ना। नायब सैनी की वजह से ये वोट मिले हैं ये कहना तो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन जीत रहे हैं जी कह रहे हैं। लेकिन नायब सैनी का तो वोट नहीं है, लेकिन आप किसी को तो लाना है ना, तो नायब से अगर चल रहे हैं तो आप क्यों चेंज करेंगे। हालांकि बीजेपी एक्सपेरिमेंट के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी है, बीजेपी अगर नायब सैनी के आने के बाद ये परफॉर्मेंस रही है तो देखना ये है कि क्या लॉन जाट वोट, क्योंकि आपने हिंदू मुसलमान तो किया, आपने बटेंगे कटेंगे वो सारी चीजें हुई, तो ये हम समझ सकते हैं कि एक हिंदू कंसोलिडेशन हुआ हो। लेकिन अगर जाट वर्सेस नॉन जाट किया है तो मुझे लगता नहीं कि ये एक कारण होगा इसका वोट कंसोलिडेशन का। मेरे ख्याल से या तो हिंदू कंसोलिडेशन एक बार फिर से रिवाइव हो रहा है सर, लेकिन वो तो नू मेवात का एक छोटा सा पॉकेट हरियाणा में, उसमें बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन का फर्क पड़ेगा। 7% मुस्लिम है पूरे राज्य में, अगर वैसे भी अब तक हिंदू कैंडिडेट जीता ही नहीं, वहां तो मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतते आए। हाँ नू छोड़ दीजिए कि वो बहुत छोटा सा है, लेकिन ओवरऑल ये कंसोलिडेशन जो नेशनल में चिंता दूसरी है कि इसका मतलब है कि हिंदू कंसोलिडेशन का बीजेपी का जो प्लैंक है वो शायद वर्क करने लगा है और हरियाणा उसका पहला उदाहरण है। 24 के बाद लोकसभा के बाद एग्जैक्ट। हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रुचिका अग्रवाल है हमारे साथ ललित अंबरदार जी है पॉलिटिकल एनालिस्ट। रुचिका मैं आऊंगा आपके पास, ललित अंबरदार जी से पहले थोड़ा सा समझेंगे चीजों को जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी अपडेट, भारतीय जनता पार्टी को 39% वोट मिले हैं चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक। 40% वोट कांग्रेस को मिले हैं जो अब तक का शुरुआती रुझान है। INLD को 5% से ज्यादा वोट मिले हैं। BSP को लगभग 1.5% से ज्यादा वोट मिला है। अटेली विधानसभा से BSP के उम्मीदवार आगे चल रहे थे। आम आदमी पार्टी को 1.64% वोट मिला है। ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं जो इस वक्त हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ललित अंबरदार, जम्मू कश्मीर के जो आंकड़े हैं इनको आप किस तरीके से एनालाइज करेंगे? उससे पहले 10 सेकंड में लूंगा कि जो हरियाणा से जो आंकड़े आ रहे हैं उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं, अगर ये ट्रेंड है और एंड तक कंक्लूड हो जाती है बीजेपी के फेवर में, मैं ये कहूंगा आपको ये नेशनल लेवल के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो अग्निवीर के अगेंस्ट जो टायरेट चल रहा था, एक नैरेटिव बनाया गया था, और जो किसान का जो आंदोलन चल रहा था जिनको हाईजैक किया गया था, मैं समझता हूं कि उस टायरेट को, उस मुहिम को, उस नैरेटिव को तोड़ने की प्रक्रिया हरियाणा से शुरू हो गई है। वो आने वाले इलेक्शन के अंदर वो एक मुद्दा नहीं बनेंगे, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट है सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से। दूसरा कश्मीर के हिसाब से थोड़ा ज्यादा कुछ सरप्राइजिंग नहीं है कि जो कश्मीर के अंदर जो कैंपेनिंग हुई है, जो श्रीनगर कश्मीर के अंदर खासकर जो कैंपेनिंग हुई है वो कॉम्पिटिटिव इस्लामिज्म के नाम पे हुई थी। 370 को लाना है, हमारी शनाख्त चाहिए, वो जिना की डोनेशन थे वाली, हमारी शनाख्त, हम मुसलमान हैं, हमको अलग चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो 370 वापस लाएंगे। ये उन्होंने अफीम जो पिछले 70 साल से कश्मीर के अंदर पिला रहे हैं, हम अलग हैं, और ये दोबारा पिलाई गई कि 370 वापस लाएंगे। दूसरे जो पिछले हफ्ते के अंदर हुआ जो बहुत ही शॉकिंग है, जो हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही चिंताजनक है, जो उन्होंने हिजबुल्ला के जो नसरुल्ला हसन के लिए जो वहां पर मातम मनाया गया,
वो हिजबुल्ला वो पार्टी है, वो टेरर ग्रुप है जो पाकिस्तान का समर्थन करता है, कश्मीर को के लिए आजादी का समर्थन करता है, और उस उसके उसके लीडर के लिए, उसके उसके सरगना के लिए कश्मीर के अंदर मेन स्ट्रीम पार्टी ने जो मातम मनाया, मेरे समझ ख्याल में पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक मैसेज है, इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और जहां तक जम्मू में बीजेपी की वो परफॉर्मेंस नहीं है जो होनी चाहिए, मैं समझता हूं कि बीजेपी के जो कश्मीर का कार्डर है उनके लिए एक लेसन होना चाहिए कि जम्मू के डोगरा जो नेशनलिस्ट है, जो डेमोग्राफिक बॉर्डर है आज की तारीख में हिंदुस्तान का उत्तर पश्चिम के अंदर, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है। कश्मीर हिंदुओं के लिए जबरदस्ती वोट वहां डलवाने हैं जो 32 साल पहले उन कॉन्स्टिट्यूंसी को उनको खाली करवाना पड़ा, नरसंहार हुआ, और वो जम्मू में पलायन में रह के कैंपू में रह के उन 32 साल पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डलवा रहे हैं। ये तो मैं समझता हूं कि न्याय नहीं है। जम्मू के अंदर जो हमारे जो कैंप है, जगती कैंप है, वहां जर्जर हो रही बिल्डिंग्स, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। 32 साल हो गए, वो कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार है अभी तक औपचारिक